इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार के अलग अलग जिलों से कुल 6 लोगों के ऊपर वज्रपात का गाज गिरा है। ऐसे में 6 लोगों की मौत पर पूरा बिहार सदमे में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4-4 लाख रुपए अनुदान के तौर पर देने की घोषणा भी कर दी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और इस येलो अलर्ट की वजह से बिहार के दरभंगा, बेगूसराय सहित वैशाली जिले में वज्रपात की घटना हुई है। सबसे पहले दरभंगा में 3, बेगूसराय में 2 और वैशाली में 1 व्यक्ति के ऊपर वज्रपात के वजह से कुल 6 मौतें हुई हैं। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री मर्माहत हैं। उन्होंने तुरंत तमाम जिलों के जिलाधिकारियों को भी अलर्ट घोषित किया और कहा कि लोगों को जागरूक किया जाए ताकि जल्द से जल्द वज्रपात की सूचना लोगों तक मिल जाए। ऐसे में वज्रपात को लेकर लोग घरों से बाहर न निकले, इस बात की भी सूचना दे दी जाए। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 1 सप्ताह पहले ही बिहार के लगभग 23 जिलों में येलो अलर्ट की बात कही थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज पहले ही दिन हल्की बारिश के साथ साथ कई अलग अलग जिलों में भारी बारिश हुई। भारी बारिश के साथ साथ सबसे ज़्यादा वज्रपात गिरने की वजह से हादसा हुआ और इसमें कुल 6 जाने चली गई। अभी भी 25 तारीख तक लगातार मौसम विभाग का ये अनुमान ऐसा ही जारी रहेगा। बिहार के लोगों से उम्मीद है कि वो इस वज्रपात की घटना से बचने के लिए कम से कम खेतों में जाएं या बाहर निकलें, कम से कम पेड़ के नीचे, भारी बारिश में पेड़ के नीचे बिल्कुल भी ना रुके, क्योंकि यह खतरनाक भी हो सकता है। तो ऐसे में एक तरीके से एक सदमे भरी खबर है कि बिहार में एक ही दिन में अभी तक ये आंकड़े 6 पहुंच गए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए ऐसे ही बने रहे आप न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।